जो बोले सोनेहा सात श्री अकाल। संत शरण जो जन परे सो जन उदर निहार, संत के निंदा नानका बार बार अवतार। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सोरठ महल्ला पंजवा अबनासी जियन को दाता, सिमरत सब मल कोई, गुण निदान भगतन का बरतन बिरला पावे कोई। आओ हम तवज्जो दे के सरवण करना, असीं ढाडी कला दे नाल संबंध रखण वालियां एक दो तीन आइटमां नगमां जल्दी जल्दी साथ संगत जी प्रेम भेटा करनियां ने। कोई गुरु का इतिहास ऐसा नहीं जिहड़ा तुसां ने कदे सुनिया ना होवे। बाबे दी बाणी ते गुरु का इतिहास प्यारे कदे पुराना नहीं हुंदा। जदों भी बार बार पढ़ांगे सुणांगे वाचांगे सतगुरां दीआं वड्डीआं नजरे रहमतां बख्शिशां कृपा साडे उप्पर होणगीआं। आ जिहड़ा पोह दा महीना आरंभ होया ना, पोह दा महीना, इस महीने का मेरे कलगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के इतिहास नाल बड़ा संबंध है। सात संगत जी, पोह सुदी सत, पोह दी मस्या तो सत दिन बाद कलगियां वाले पातशाह महाराज जी का आगमन होया। इहो ही पोह दा महीना जदों मेरे पातशाह ने आनंदां दी पूरी नूं छड्डिया, यही सात संगत पोह दा महीना किधरे अठ पोह नूं चमकौर दा जंग लड़िया, सतगुरां दे वड्डे फरजंद कुरबान हो गए। तेरा पोह दा दिन मेरे पातशाह धन कलगियां वाली सरकार सतगुरु जी छोटे साहिबजादे सरहंद दीआं दीवारां विच अपना आप चिणवा गए, पर दुनिया के लोगों को दस दिता अणख का जीवना मर्दा की मौत थोड़े दिन चंगी होया करती है। कलगियां वाले बापू की सिफत में एक बड़ा ही प्यारा शहर कहता, वो कहता, पीर के पीर मैंने देखे हैं गुरु गोबिंद, नबियों के नबी और बलियों के बली खे, इनका जंग के जुतइए भारे देख के चलिए, बहुत रण खेत जाके वो मचाते तरथली थे, इनका हिंदुओं के राम और बोधियों के बुद्ध भी थे, खालसे के गुरु और मोमनों के अली थे, हिंदू व मुसलमान और मर्द मिले फूल बरसाते गुरु जाते जिस गली थे। दुनिया के लोगों को सब सांझा प्यार मेरे कलगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने देख के नवाजिया। लो जी आनंदा की पुरी में पातशाह ने लाए भाग, इतों हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते बापू का बलिदान देने वास्ते चाई चाई अपने पिता ने विद्या किया। 1699 की वैसाखी आई, मेरे पातशाह ने खंडे बाटे की पाल दे के पंथ की साजना कर दी। हजूर ने अपने कले कले सूरमे नू सवा लख दे नाल लड़न वास्ते तत पर त्यार पर त्यार कर दिता। सात संगत जी, एक पासे जुलम उस मौके की जालम, एक तरफी सरकार बादशाह औरंगजेब जिहदा इतिहास सात संगत जी जदों पढ़ीदा दंद जुड़ जाते, अकल दंग रह जाती, हैरान हो जाती। एडा वड्डा सात संगत जी हलकाया होया बादशाह, हो सकता कदे भी दुनिया से होर ना कोई आया होवे। ये अपनी मिसाल आप अगे चल के अर्ज करांगा। एक पासे पहाड़ी राजे जिन्हां दे बजुर्गां नूं सात संगत जी दादे परदादियां नूं मेरे कलगीधर पिता दे दादा गुरु हरगोबिंद पातशाह ने ग्वालियर दे किले तों रिहा करवाया, जिन्हां दा धर्म बचाउण वास्ते बापू कुर्बान कीता, ओह पहाड़ी राजे मेरे सतगुरां दे चंगे गुणां दे बैरी बन के बह गए। लो जी सात संगत, कई बार छोटी मोटियां लड़ाइयां होईयां पर इन्हां राजिआं दा कुछ वटिआ ना गया। एक दिन हो के सारे राजे इकट्ठे पहुंचे दिल्ली दरबार, हिंदुस्तान दे बादशाह औरंगजेब दे कोल पेश हो के लै के मूंह विच घा दीआं तिना ला के कुल्ले वालियां पग्गां, हिंदुस्तान दे बादशाह औरंगजेब दे कोल इन्हां पहाड़ी राजिआं ने जिवें अपना दुख बोलिया, दुख सांझा कीता, कलगियां वाले पातशाह दे खिलाफ इन्हां ने शिकायत कीती। सुनो ढाडी कला दी रुबाई बच्चे गाउण लगे ने, तुहाडा अपना बच्चों का राणी वाला का ढाडी कथा है, यूं बेनती करदा रही।
जो बोले सो निहार।